ये देखें क्रेनें यहाँ पे लगी हुई हैं, और ये जो है यहाँ से नहर इन्होंने बनाना स्टार्ट की है, और ये बनाने का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ ये नहर कैसे बनाते हैं। और ये देखें ये सामने जो है इन्होंने पहले बंद बनाए दोनों तरफ, उस तरफ भी बंद बनाया और इस तरफ भी, और बंद बनाने के बाद इन्होंने क्या किया है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हल लगाएं, हल लगाने से इसकी जो है दलदल वगैरह जो थी होती है इसमें वो ख़त्म की है। दलदल ख़त्म करने के बाद ये देखें उसको इसकी एक साइड जो है उसको प्रेस किया जा रहा है क्रेन की मदद से। जी ये देखें आपके सामने ये नज़र आ रहा है, दरमियान में से हल लगाने के बाद इसको इसके ऊपर से आगे मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि वहाँ पर उन्होंने बेड बनाया हुआ है दोनों तरफ, और वो देखें अभी उस तरफ मिट्टी लगाई है उसको प्रेस नहीं किया हुआ दूसरी साइड को, और इस साइड को इन्होंने थोड़ा सा प्रेस किया हुआ है क्रेन की मदद से, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था। इसकी कटिंग की है क्रेन की मदद से कटिंग करने के बाद इसको प्रेस किया हुआ है, और इसके छोटे छोटे ब्लॉक बनाए हुए हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। जी देखें यहाँ से देखें ये वाली जो कटिंग हुई है उसके बाद यहाँ से देखें ये बेड बना दिया इन्होंने, प्रेस कर दिया इसको। प्रेस करने के बाद ये देखें मदद से इसको प्रेस किया गया था, जी नाज़रीन यहाँ से देखें इन्होंने पहले ब्लॉक बनाए, यहाँ पर इन्होंने कॉलम किए, ब्लॉक बनाने के बाद दोनों साइडों को अच्छे तरीके से प्रेस करके इसका लेवल करेंगे, लेवल करने के बाद इसके अंदर फिर वो बजरी और सीमेंट के साथ अच्छे तरीके से इसकी फिलिंग करेंगे, और फिर ये हमारे पास कंप्लीट नहर की शक्ल इख्तियार कर लेगी, और ये बहुत ही मज़बूत और बहुत ही अच्छी नहर बनाई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा मंसूबा है, खसूसन इस टाइम मौजूदा हुकूमत इमरान खान की है, तो मैं ये क्रेडिट उनको ही देना चाहता हूँ, क्योंकि वो ये अपने छोटे ज़मींदार बड़े ज़मींदार उनके हक में हैं, और उनके लिए वो कुछ हद तक उनके लिए मौका फराहम कर रहे हैं। और ये नहर जो है तकरीबन बॉर्डर एरिए से 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है, 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है। इसको BRB नहर से निकाला गया है, और इसको छोटी नहर भी बोला जाता है, यहाँ के मुकामी लोग इसको छोटी नहर और थम्मन नहर के नाम से भी इसको जाना जाता है। जी ये आप देख रहे हैं यहाँ से फिलिंग भी शुरू हो गई है, मिट्टी के साथ इसको इक्वल कर दिया गया है, और अब उसके बाद यहाँ से आगे वो आपको सामने नज़र आ रहा है वो इन्होंने इसको मुकम्मल तैयार भी कर दिया है। तैयार करने के बाद सिर्फ इसके ऊपर जस्ट सीमेंट की वो कहते हैं कि अब इसको कच्चा किया गया है, ये बेड बनाया गया है, बेड बनाने के बाद इसके ऊपर से बजरी और सीमेंट इसके ऊपर डाला जाएगा, ये देखें कंप्लीट। और वो जो फूल से बनाए हुए हैं वो इसलिए बनाए हुए हैं ताकि वहाँ से इसकी मजबूती ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ हो सीमेंट की और बजरी की। ये उन्होंने अभी बेड बना के वो तैयार करके हमारे सामने अभी वो छुट्टी करके गए, और मगरब की अजानें हो रही हैं इस टाइम, अंधेरा हो रहा है।
बनाया हुआ है क्रॉसिंग करने के लिए। और ये जो पहले आपको इसकी जो कच्ची वाली नहर थी, पुरानी नहर, वो आपको दिखाते हैं जी। कुछ इस तरह नज़र आती थी। ये देखें कितने दिन हो गए इसको, नहर को बंद किए हुए, 1 मंथ से ज़्यादा हो गया। ये देखें, ये दोनों तरफ झुंड नज़र आ रहे हैं और ये मैं इनके दरमियान में से गुजर रहा हूँ। ये देखे कुछ इस तरह नजर आएगी। और ये यहाँ पर ये न्यू बना रहे हैं उस तरफ से। जी यहाँ से देखें, ये वाली जो है मेरे पीछे वाली साइड में आपको नजर आ रहा होगा, ये सारी जो अब न्यू बना रहे हैं वो वाला पॉइंट है। और यहाँ से इन्होंने पीछे वाला जो है पोर्शन, ये सारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कंप्लीट होने के बाद ये कैसा नज़ारा है, कैसी लगती है। ये नीचे की तरफ मैं उतर रहा हूँ, ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने आपको अभी कुछ देर पहले दिखाया था, ये ब्लॉक्स बने हुए ये वाले जी, ये ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं आपको। और इनको कैसे बनाया ये भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। और ये नीचे भी ब्लॉक्स बने थे, ब्लॉक्स बनाने के बाद इन्होंने RCC लेंटर वगैरह वो डाला है, बजरी सीमेंट के साथ पक्का कर दिया इसको। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये अभी काम चल रहा है। यहाँ से तकरीबन राउंड अबाउट जहाँ से ये नहर निकल रही है वो है 5 किलोमीटर के एरिया पर मुश्तमिल है जो अब बकाया रहती है। ये तकरीबन राउंड अबाउट इन्होंने 20 से 30 किलोमीटर तक बना चुके हैं ये वाले। और ये लास्ट वाला पॉइंट रहता है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा सारी जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरवर। सरवर भाई, क्या फ़ायदा होगा इस पक्की नहर से आप लोगों को? फ़ायदा है, एंड तलक पानी पहुंचेगा, आखिर तलक, ठीक है। और शुरू में कोई पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। और सब भाइयों को, छोटे और बड़े जमींदारों को पानी एंड तलक पहुंचेगा, आखिर तक पहुंचेगा, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। कई दफ़ा यहाँ से पीछे टूटती रही है नहरें, ठीक है, पानी पहुँचे ही नहीं कभी, ठीक है, कभी पहुँचता कभी नहीं पहुँचता, परेशान है पिछले जमींदार सारे, ज़बरदस्त, ठीक, इस करके इसे पक्की बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। मैंने सुना है कि ये जो जमींदार हैं, बड़े जमींदार, यहाँ से नहर वगैरह भी तोड़ते हैं। हाँ जी, पहले कच्ची होती थी जी, ये बीच में तोड़कर अपने खेतों को पानी लगाते थे। अच्छा, आगे रुकावट तोड़े भर कर और लगा लेते, डक्की पा लेते थे। अच्छा अच्छा, आगे पहुँचते नहीं था पानी, पानी आगे नहीं जाता था, मतलब यहीं पे रुक जाता था। और ये आगे वो बंद लगा देते थे, बंद लगाने के बाद नहर को एक साइड से तोड़ देते थे, तोड़ देते थे, ठीक ठीक ठीक। अब इस करके ये अब पक्की बना रहे हैं, ये आपको फायदा होगा इससे? हाँ इंशाल्लाह हमको फायदा होगा पूरा, ठीक है।
पहले ब्लॉक सुनाए गए, ये देखें कतला पड़ गया, और ग्रैंड